साथियों नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम प्रभु श्री राम पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो एक समय लगा, बहुत समय बीत गए, बहुत तप हुआ, बहुत मेहनत हुई, उसके बाद जो एक स्वप्न था वो साकार हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर, महापुरुषों का त्याग तपस्या, राम भक्तों का बलिदान पूर्ण हुआ, विजय प्राप्त हुआ, भगवान श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बनकर तैयार हुआ, भगवान श्री गर्भगृह में विराजमान हो गए। मंदिर बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा, लेकिन उतने से हमारी पूर्णता नहीं है। भगवान श्री राम जी के वाक्य हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादिशी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। इसलिए राष्ट्र हमारी सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे बड़ा मंदिर है। राष्ट्र है तो हम हैं, हमारी अस्मिता है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म पूजा पाठ है। राष्ट्र के ऊपर कुछ संकट है, ये विषमता दूर करना हमारा पुण्य कर्तव्य होता है और यह होगा। जिस जनसंख्या के आधार पर, जिस जनसंख्या की विषमता के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, वो विषमता सुरसा की तरह मुँह फैलाए बढ़ती चली जा रही है। इसे रोकना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है और इसके लिए हम संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो राष्ट्र के विरोध में हैं, तैयारी हो चुकी है और वो सब विधायक जाएंगी, राष्ट्र। जो लोग राम जी को नहीं मानते, यदि उनके चरित्र को देखा जाए, यदि उनके जीवन शैली को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं उनमें भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सीखने लायक हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो आस्था नहीं रखते, जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे? जबरदस्ती तो किसी को मनवाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान श्री राम जी सबकी आत्मा है, सबके जन जन के अंतःकरण में वास करते हैं, वास है उनका। और भगवान श्री राम जी का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है, त्रिलोकी में कोई ऐसा चरित्र ही है नहीं है भगवान श्री राम जैसा हो, सबको मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप देख रहे हैं इंडिया, बने रहे हमारे साथ। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।